दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फिल्म सिटी में मातम छाया हुआ है। यूं समझ लीजिए कि बड़े बड़े एंकरों के आंसू निकल रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि बड़े बड़े पत्रकारों को अपने आंसू पोछने पर पड़ रहे हैं, कड़वी घूंट पीनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा काम इंडिया गठबंधन ने किया है जिसकी कल्पना ना तो बड़े बड़े गोदी न्यूज चैनलों ने की थी और ना तो उन बड़े बड़े सत्ता के प्रवक्ताओं ने की थी जो एंकर के तौर पर न्यूज चैनलों में अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। सत्ता के प्रवक्ताओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो खुद सत्ता के प्रवक्ता बन करके एंकरिंग किया करते थे, उनको अब छठी का दूध याद आने लगा है। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने 14 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और ये वो लिस्ट है जिसका इंडिया गठबंधन की पूरी पार्टी इनका बाइकॉट करेगी। ऐसे एंकरों के शो में ना वो हिस्सा लेंगे ना उनको कोई बाइट देंगे, ये तमाम सवाल। और ये देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो काम किया है, वो जो लिस्ट सुनाई है, उस लिस्ट को सुन लेंगे तो आपको हंसी आएगी। ये वो लिस्ट है जिनके बारे में पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये पक्का वो लोग उसमें होंगे ही होंगे। पहले नंबर पे अदिति त्यागी, दूसरे नंबर पे अमन चोपड़ा, तीसरा अमीश देवगन, चौथा आनंद नरसिम्हन, पांचवा अर्णब गोस्वामी। अर्णब गोस्वामी नाम सुनते हैं आप? अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव। मुझे तो अशोक श्रीवास्तव को देखे हुए कम से कम 10 साल हो गए, लेकिन अशोक श्रीवास्तव का इसमें नाम है, यानी कि उनके हालात बदल चुके हैं। अब वो भी उन पत्रकारों में शुमार हो गए हैं जिन्हें गोदी पत्रकार कहा जाता है। हालांकि ये एक सरकारी टीवी के पत्रकार हैं, डीडी न्यूज के। हम लोग इनको बचपन से देखते आ रहे थे, हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इनके बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये वही पत्रकार हैं जिनका नाम लेते हुए मैं शर्म आ रही है, ये वो लोग हैं। चित्रा त्रिपाठी, इनको बारे में क्या बताना, इनको तो पूरी दुनिया जानती है। चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूबिका लियाकत, रूबिका जी, फिर सुनिए शिवरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। मैं तो समझता हूं कि सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, इन दोनों का नाम लिखना ही बेकार था, बल्कि इन दोनों के जगह पे एक और नाम चाहिए था लिख लेना, और वो है सुरेश चौहानके। पता नहीं सुरेश चौहानके का शो में कांग्रेस वाले या अपोजिशन का कोई लीडर अपना कोई आदि बंदा भेजते हैं, प्रवक्ता भेजते हैं या नहीं। लेकिन इनके जवाब आने लगे हैं और इनका जिस तरह से जवाब आया है, जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, वो भी बड़ा हास्यास्पद है। बहुत ही मजाकिया जवाब इनका आया है। सबसे पहले देख लीजिए सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी का जब नाम आया तो सुधीर चौधरी लिखते क्या है। इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना है ये भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देगा, यानी अब देखना ये चाहते हैं कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देगा। लेकिन खैर, इनको उतनी गंभीरता में कोई नहीं लेता। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने भी कहा है कि मैं इस लिस्ट के अंतिम हिस्से से सहमत नहीं हूं। सुशांत और सुधीर जैसे बेचारों को बिना मतलब ही लपेट दिया गया, जबकि सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी डर के मारे डिबेट नहीं करते, वो अपने शो में अकेले खड़े होकर बकवास करते हैं। बात भी सही है, सुधीर चौधरी कहां डिबेट करते हैं, सुशांत सिन्हा कौन सी पाठशाला चलाते हैं, वो देख लीजिए। डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ने वाले लोग ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर कलम चलाकर न्यूज की पाठशाला समझा रहे होते हैं। जिन्होंने यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी वो लोग समझा रहे होते हैं न्यूज के दांव पेज, पत्रकारिता ये लोग समझा रहे होते हैं। अब देखिए, अदिति त्यागी ने इस पे लिखा है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरते नहीं। जय हिंद, वाह वाह वाह, त्यागी डरते नहीं। बीते एक साल के दौरान बहुत से ऐसे त्यागी हैं जो डर के मारे दुबक गए, लेकिन अपने अपने नाम को देखिए, नाम के ऊपर कितना घमंड कर रहे हैं, कहना त्यागी डरते नहीं, क्या बात है। देखिए सुशांत सिन्हा लिखते हैं कि लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया कि मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता ही नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार। बायकॉट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है, देश सब देख रहा है। अमीश देवगन का बयान आ गया, कुल्लू BND उर्फ अमीश देवगन, इनका बयान आ गया। ये लिखते हैं, इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों का नतीजा सनातन पर प्रहार और सवालों का जवाब देने से इनकार, सवाल पूछने वाले पत्रकारों को बैन करना,
लेकिन ये निडर पत्रकारिता जारी रहेगी, ना हम झुके हैं और ना झुकेंगे। जय। अब देखिए इसके साथ ही अमन चोपड़ा का बयान भी आ गया, वो अमन चोपड़ा जो जहांगीरपुरी का बदला और महादेव को एक साथ जोड़ रहा था, महादेव के मंदिर को उठाने का और जहांगीरपुरी के इंसिडेंट्स को एक साथ जोड़ रहा था, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज थी, पुलिस भी उसको दौड़ के आई पकड़ने के लिए, लेकिन सत्ता के रहमो करम की वजह से वो बच गया, क्योंकि वो नोएडा में रहते हैं और नोएडा पड़ता है UP में, इस वजह से वो बच गए। बाद में कोर्ट वगैरह गए तो वहाँ से उनको रिलीफ मिला, लेकिन उनका भी बयान सामने आया है। और पत्रकारों की बैन, पत्रकारों की जब लिस्ट जारी हुई है तो उसमें वो कमेंट करते हुए कह रहे हैं, उसके फोटो को शेयर करते हुए, लिस्ट को शेयर करते हुए ट्वीट करते हैं। वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बाइकाट वाले बैच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर होता है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। अच्छा, किस तरह का ये लोग सम्मान चाहते हैं? TV चैनलों का अगर आप फॉर्मेट देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लोग आखिर किस तरह की पत्रकारिता करते हैं। एक एंकर, एक अपोजिशन का लीडर और बाकी जो पैनलिस्ट होंगे वो सब के सब सत्ता पक्ष से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। एक BJP का प्रवक्ता हो जाएगा, एक संघ मामलों का जानकार हो जाएगा, एक आ जाएगा VSP का प्रवक्ता बन जाएगा उसमें, और कुछ नहीं तो एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जो राजनीतिक मामलों का जानकार अपने आप को बोलेगा। और सबके सब मिलकर एक ही टारगेट करते हैं, अपोजिशन वाले लीडर पर हमला करना। और अगर अपोजिशन का लीडर इसके बावजूद भी अगर बाकी के पैनलिस्ट पर भारी पड़ जाता है तो बीच में उसकी माइक को म्यूट कर दिया जाता है, उसको बोलने से रोक दिया जाता है। कई बार तो एंकर खुद ही टूट पड़ता है अपोजिशन के लीडर पर, उनका जवाब देने लगता है। मतलब जिस चीज का जवाब अपोजिशन का लीडर दे रहा है, अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है और उस सवाल का जवाब अगर सत्ता पक्ष का यानी BJP का प्रवक्ता नहीं दे पाता, VSP नहीं बोल पाता, RSS नहीं बोल पाता, राजनीतिक तथा सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक अगर बोल नहीं पाता, तो उसका जवाब देने के लिए सबसे आगे कौन खड़ा होता है? न्यूज एंकर। तो ये न्यूज एंकर ये सब कैसे तो प्रवक्ता भरे होते हैं, जवाब किसे देंगे? अजीब विडंबना है, सत्ता से सवाल नहीं होता, सत्ता से सवाल नहीं पूछा जाता। सरकार के बुनियादी चीजों के ऊपर जिस तरीके सरकार का रवैया देखा गया, नाकामी देखी गई हर एक मसले पर, सरकार से सवाल नहीं होता, सवाल होता है किससे? अपोजिशन से, जिसकी सरकार नहीं है उससे आप सवाल करते हैं। फलाने का टाइम में ये हुआ, आपने तब क्यों नहीं किया, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत से लोग हम लोगों से भी सवाल करते हैं कि आप जो है BJP पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किया जब ये हुआ था? भाई उस समय पैदा भी नहीं हुए थे हम, पैदा हम आज हुए हैं, उस समय हम बच्चे भी थे, स्टूडेंट रहे होंगे जर्नलिज्म के, पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, आज तो है ना। इस सवाल उस समय आपने क्यों नहीं पूछा, उस समय आप भी नहीं थे, इसका सीधा जवाब ही है, फिट फॉर टैट। लेकिन ये बहुत ही अच्छा नुस्खा निकला है, इनका इलाज हो गया। अच्छा सुनिए, अब इसके साथ ही और क्या क्या होगा इनका। इसमें एक नाम नहीं आया, वो अंजना ओम कश्यप का, क्योंकि अंजना ने हाल फिलहाल कुछ दिनों में बहुत ही अपने आप को बैलेंस बनाकर चली, ज्यादा एंटी और प्रो होने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और हाल ही में उनका एक बयान भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि कुछ लोग लेटे हैं, कुछ लोग झुकना था लेकिन वो लेट गए, इस तरह का बयान भी आ रहा है। लेकिन ये बाकी जो चित्रा त्रिपाठी हो गए, अर्णब गोस्वामी हो गए, ये तो खुल करके बेशर्मी पर उतर जाते हैं। चित्रा त्रिपाठी तो अभी झूठ मूठ का बेशर्मी पर उतर आई थी, बेवजह वो बहस कर रही थी, ना इतिहास की जानकारी है ना उनको कोई नॉलेज है, इसके बावजूद भी वो डिबेट करने लगती हैं, बोलने लगती हैं। कईयों को तो पता भी नहीं कि पत्रकारिता की ABCD क्या होती है। चरण चुंबक तो वो बोलती है, सुप्रिया सीनेट कांग्रेस वाली वही बोलते चरण चुंबक, ये बेचारे फंस गए। अब सुनिए इनका इकोनॉमी बाइकआउट कैसे होगा, फाइनेंशियल तरीके से कैसे कमजोर होंगे। जहां जहां NDBJP गवर्नमेंट है, यानी इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकार है, अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा खासा विज्ञापन का पैसा देते हैं, यहां तक कि इतना विज्ञापन देते हैं कि वो बदनाम भी हैं, कि बहुत ज्यादा मीडिया को विज्ञापन हो देते हैं, उनका विज्ञापन ही बंद होने वाला है, वो भी विज्ञापन देना बंद करेंगे। उसके बाद कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की भी सरकार पंजाब में, वहां भी वो विज्ञापन देते हैं, नहीं देंगे वो इन चैनलों को। कांग्रेस की सरकार आप देख ली, हिमाचल में सरकार है सुखविंदर सिंह सिक्खू, वहां से विज्ञापन आगे चल के बंद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बिहार में भी
गठबंधन की सरकार है, नीतीश की सरकार भी नहीं देगी विज्ञापन इनको फिर तो। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी हैं, वहाँ से भी विज्ञापन नहीं मिलेगा। साउथ के तो किसी भी स्टेट में बीजेपी नहीं है, वहाँ तो एमके स्टालिन है तमिलनाडु में, वो भी ना देने वाले। केरल वाली सरकार पहली खिलाफ मुंह खुलाकर बैठी, वो भी नहीं देने वाली इनको विज्ञापन। तो आखिर ये करेंगे तो करेंगे क्या? इनकी हालत हो जाएगी खराब। झारखंड में भी इनकी सरकार नहीं है, वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की सरकार है, वहाँ भी विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो जब विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो ये हो जाएंगे आर्थिक तौर से कमज़ोर, और जब कमज़ोर हो जाएंगे विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो सिर्फ सरकार के या बीजेपी के दिए गए विज्ञापन के बल पर ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। विदेश की मीडिया इसलिए ज़्यादा सक्सेस है, मुखर है, क्योंकि वो पब्लिक फंडिंग से चलती है। पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन करती है अखबार को, टीवी चैनल्स को, उसी वजह से वो चलते हैं। यहाँ के विज्ञापन जो है वो पब्लिक के लिए गए विज्ञापन से चलते हैं, सरकारों के लिए गए विज्ञापन से चलते हैं, उद्योगपतियों के विज्ञापन से चलते हैं, इसलिए वो उनकी बातें करते हैं, हमारी आपकी बातें नहीं करते। 2 रुपये 3 रुपये का जो अखबार, 5 रुपये का जो अखबार आपको मिलता है, उस अखबार की लागत ही होती है 70-80 रुपये, कम से कम 100 रुपये मान लीजिए। लेकिन अगर आपको 5 रुपये मिल रहा है तो सिर्फ विज्ञापन के दम पर आपको 5 रुपये मिल रहा है, 7 रुपये 8 रुपये जो भी आपके एरिए में अखबार आते हों, उसकी असल लागत जो है 100 रुपये से ज़्यादा की होती है। और यही वजह है कि बाहर की मीडिया, विदेश की मीडिया पब्लिक वाली बात करती है, नेताओं से कड़े सवाल पूछती है, क्योंकि नेताओं से उनको फंडिंग नहीं हो रही होती है, पॉलिटिकल पार्टी से उनको फंडिंग नहीं हो रही होती है, सरकारी चंदे पर वो अपना गुजारा भत्ता नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वहाँ की मीडिया स्वतंत्र है। और हमारी मीडिया दिन ब दिन गुलाम होती जा रही है, कॉरपोरेट को हाथों में चली गई है, बड़े बड़े नेताओं ने ले रखा है इनको और चाहते हैं कि उन्हीं का दिन भर गाना गाते रहें। लाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन घंटी वाला बटन भी आप जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।